जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। मूवी शुरू होती है 1961 के समर के समय में, जहां पर फिनलैंड के सभी लोग हैरान थे क्योंकि वहां के बॉटम लेक में 4 टीनेजर को बहुत ही बेरहमी से रेप करके मार दिया गया था और पुलिस क्रिमिनल को पकड़ भी नहीं पाई थी। क्रिमिनल खुलेआम घूम रहा था और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और पूरी मूवी उसी रात के ऊपर बनी हुई है। हमें दिखाया जाता है कि किलर अपने हथियार को रेडी कर रहा है और उसके कुछ दूरी टीनेजर्स बॉटम लेक पर नहा रहे थे। दूसरी तरफ दो दोस्त आटे और एलियास उन मर्डर्स के बारे में बातें कर रहे थे और दोनों कुछ कपड़ों को देख रहे थे और कुछ ऐसे ही कपड़े मर्डर के समय उन टीनेजर्स ने भी पहने हुए थे और वे यही कपड़े अपने फ्रेंड्स को पहनाने वाले थे। इसके बाद में हमें ईडा नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि अपनी फैमिली के साथ में डिनर कर रही थी। वो अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगती है ताकि वो अपने फ्रेंड नोरा के साथ में घूमने जा पाए। ईडा के फादर नोरा को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था कि नोरा के साथ रहकर ईडा बिगड़ जाएगी। वो ईडा को परमिशन नहीं देते हैं घूमने जाने के लिए, पर ईडा की मॉम उसे परमिशन दे देती है। आटे और एलियास कार में सामान भरकर ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो रहे थे और आटे ने यहाँ पर एक कुल्हाड़ी भी अपने पास रख ली थी। एलियास पूछता है कि उसने कुल्हाड़ी क्यों ली है, पर आटे इस बात पर कोई जवाब नहीं देता है। नोरा के घर पर नोरा ईडा को समझा रही थी कि जिस ट्रिप पर वे जा रहे हैं वो ट्रिप उसके बुरे पास्ट को भुला देगी और वो इस पूरे पलों को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेगी। नोरा फिर ईडा के फेस पर मेकअप भी करती है और बाहर अटे और एलियास कार में उनका इंतजार कर रहे थे। कार में अटे बताता है कि नोरा के फादर ने फांसी लगाकर खुद को मार लिया था और एलियास कहता है कि ये बात वो नोरा के सामने न निकाले क्योंकि उसे बुरा लग सकता है। अब कुछ समय में नोरा और ईडा अपना सामान लेकर कार के पास आते हैं। दोनों लड़के उनका सामान कार में रखते हैं और रास्ते भर वे सभी अपने रिलेशनशिप और एडल्ट लाइफ के बारे में बातें कर रहे थे। एलियास को प्यार पर विश्वास नहीं था और वो बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। अब कुछ ही समय में वे सभी लेक बॉटम के गेट पर आ जाते हैं। गेट पर एक चेन लगी हुई थी तो अट्टे कुल्हाड़ी से चेन को काटकर कार को अंदर ले जाता है। फिर कार लेकर वो लेक के पास आ जाते हैं और लेक के पास ही अपना कैंप लगाते हैं। रात को अट्टे और ईडा उसी घटना के बारे में बातें कर रहे थे जब उन टीनेजर्स का मर्डर हुआ था। क्रिमिनल अभी तक पकड़ा नहीं गया था और इसीलिए अटे इस केस पर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था। वो चाहता था कि वही इंसिडेंट फिर से हो और वो क्रिमिनल को पकड़ ले। एलियास अटे को एक ड्रग देता है जिसे वो लड़कियों को खिला दे ताकि वो ड्रग लेकर लड़कियां उनके साथ एंजॉय कर पाए। ईडा और नोरा उस ड्रग को खाकर लेक में स्विमिंग करने जाती है और कुछ देर तक स्विमिंग करने के बाद सभी वहाँ पर बैठ कर बातें करने लगते हैं। अट्टे कहता है कि वो क्रिमिनल इस जगह का नहीं, कोई आउटसाइडर है। वो क्रिमिनल जरूर हंटिंग के लिए पागल हो गया होगा। जब भी टीनेजर वीक होते हैं तब वो उन पर अटैक कर देता है। अगर वो क्रिमिनल यहाँ पर है तो वो अभी भी हमें देख ही रहा होगा। कुछ समय के बाद में एलियास थक कर सोने चला जाता है और नोरा भी उसके पीछे पीछे जाती है। ईडा और अटे वहीं पर बैठकर बातें कर रहे थे। जब ईडा अपने टेंट में जाने के लिए उठती है तो उसे एक फ्लैशलाइट दिखाई देती है। वो ठीक से देख पाती उसके पहले ही लाइट गायब हो गई थी। ईडा फिर लेक में जाकर नहाने लगती है और वो देखती है कि एलियास उसे चुपकर देख रहा है। पकड़े जाने पर एलियास ये कहता है कि वो बस वहाँ पर पानी लेने आया है और ईडा गुस्से में टेंट की तरफ जाती है। टेंट के अंदर अटे नोरा से कहता है कि उसे पता है कि वो उससे प्यार नहीं करती। ईडा को अंदर आता देखकर अटे और नोरा अपनी बातें बंद कर देते हैं और अटे टेंट से बाहर चला जाता है। अब आधी रात को ईडा की नींद खुलती है क्योंकि उसे कोई अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। ईडा नोरा अटे और एलियास को नींद से उठाती है और सभी उस जगह को चेक करने जाते हैं। एलियास अकेले ही थोड़ी दूर देखने जाता है पर एलियास बहुत देर तक वापस नहीं आता है और इस बात से बाकी सभी लोग परेशान होने लगते हैं। तभी एलियास अचानक उनके सामने आकर उनको डरा देता है और वे बस उसके साथ मजाक कर रहा था। तभी नोरा कहती है कि उसे सुसु करने जाना है और वो अकेले ही दूर जंगल के अंदर अपना काम करने चली जाती है। एलियास भी नोरा के पीछे पीछे जाता है और ईडा और अटे टेंट में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वो टेंट उनके ऊपर टूट कर गिर जाता है, लेकिन किस्मत की बात यह थी कि कोई भी इंजर्ड नहीं होता है। अटे टेंट से बाहर आकर देखता है कि एक पेड़ की टहनी उनके टेंट पर गिर गई थी और इसी वजह से उनका टेंट टूट गया है। वो टेंट के अंदर जाकर ईडा को इस बारे में बताने वाला था कि तभी कोई आदमी पीछे से आकर अटे को चाकू मार देता है। इधर दूसरी तरफ नोरा को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है और वो डरकर भागने लगती है। एलियास नोरा को पकड़ लेता है और कहता है
कि डरने की कोई बात नहीं है, वही उसके पीछे आ रहा था। तभी नोरा और एलियास को एडा की आवाज़ सुनाई देती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रही थी। दोनों कैंप की तरफ भागते हैं और एडा की मदद करने के लिए। टेंट में उनको अटैक खून से लथपथ मिलता है और वो दोनों अटैक की मदद करने लगते हैं, पर अटैक उनको वहाँ से भागने को कहता है। एलियास कुल्हाड़ी उठा लेता है उनकी सेफ्टी के लिए। फिर एडा और नोरा कैंप से दूर भागती है और भागते समय नोरा के पैर में मोच आ गई थी। नोरा उसे छोड़कर सभी को भागने को कहती है क्योंकि अब वो चल नहीं पाएगी। एलियास फिर वो कुल्हाड़ी नोरा के हाथ में दे देता है ताकि वो खुद को सेफ रख पाए। एलियास एडा से कहता है कि उनको जल्दी से उनकी कार तक पहुंचना होगा, लेकिन बीच रास्ते में एडा और एलियास के बीच में कुछ बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है। एडा की कुछ प्राइवेट पिक्चर्स पूरे कॉलेज में वायरल हो गई थी और एडा उन फोटो का ब्लेम अटे और एलियास पर लगाती है, पर एलियास उसे समझाता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो सारी पिक्चर्स भी फेक है, वो तो एडा से प्यार करता है। और तभी अचानक एक आदमी आकर एलियास की पीठ पर चाकू मार देता है। वो आदमी जब अपना फेस दिखाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि नोरा थी। नोरा और एडा इस ट्रिप पर एंजॉय करने नहीं बल्कि वो तो आई थी अटे और एलियास को ख़त्म करने के लिए। वो दोनों येलो कलर की जंपसूट पहन लेती है। फिर वो अटे और एलियास की बॉडी को बैग में डालकर उन बैग्स को चेन से बांधकर भारी चीज़ों के साथ में लेक में फेंक देते हैं और वे उन सारे सबूतों से भी पीछा छुड़ा लेते हैं। फिर वो दोनों अपने वॉच पर 3 घंटे का टाइमर लगाते हैं और वो दोनों उसी समय पर सिटी से लौटने का तय करते हैं ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। वो दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं और तभी उनको पता लगता है कि कार की चाबी तो एलियास के पास थी। दोनों कार से निकलती है और एडा ये डिसाइड करती है कि वो एलियास की डेड बॉडी से चाबी लेकर आएगी। वो पानी के अंदर जाती है पर डर जाती है, लेकिन नोरा उसे हौसला देती है और जब वो पानी के अंदर जाकर एलियास की डेड बॉडी से चाबी निकालकर पानी के ऊपर आती है तो नोरा बहुत खुश थी जब उसे पता लगता है कि एडा को चाबियां मिल गई है और एडा पानी से बाहर आती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि शहर जाने से पहले वे लोग कार को ठिकाना लगा देंगे ताकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत न मिले। दोनों फिर कार में बैठकर शहर की तरफ जाने लगते हैं और कार में ही बातें करते हैं। वो दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं और नोरा एडा से कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल पर्सन है। नोरा एडा को उसके वायरल हुए पिक्चर्स के बारे में बताने लगती है और नोरा को ये डर था कि वो एलियास को खो न दे। वो एलियास से बहुत प्यार करती थी पर एलियास एडा से प्यार करता था। फिर एक दिन पार्टी में नोरा ने एडा के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिसे पीकर एडा बेहोश हो गई थी। फिर नोरा ने पूरे कॉलेज में ये बात फैला दी कि एडा की प्राइवेट पिक्चर्स वायरल हो गई है। कॉलेज में सभी बच्चे एडा की उसी पिक्चर्स के बारे में बातें कर रहे थे। फिर नोरा ने एडा को ये भी कहा था कि उसकी प्राइवेट पिक्चर्स एलियास ने वायरल की है और इस तरह एडा नोरा की सभी बातें मानने लगी थी। अब प्रेजेंट टाइम में नोरा की ये सारी बातें सुनकर एडा कहती है कि घर जाने के बाद में वो सारी बातें पुलिस को बता देगी और यह सुनकर नोरा एक चीज़ से एडा के फेस पर मारती है और कार में ही दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तभी उनको दिखता है कि एक आदमी रास्ते के बीच में खड़ा है और उस आदमी को बचाने के चक्कर में नोरा कार को एक जगह पर टकरा देती है। कार के एक्सीडेंट की वजह से एडा बेहोश हो गई थी। नोरा फिर एडा को होश में लाने की कोशिश करती है और तभी वही आदमी उनके पास आ जाता है और वो उनकी कार को वहां से निकालने के लिए मदद ऑफर करता है। नोरा एडा से कहती है कि उस आदमी को उनको मारना होगा क्योंकि उसने उनको कार के साथ में देख लिया है। तभी उसको अचानक समझ में आता है कि उन दोनों ने तो अटे को मारा ही नहीं था, तो फिर अटे को मारा किसने था। वे लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो आदमी उनकी कार को एक केबल से कनेक्ट करके कार को टो करके ले जाने लगता है। एडा नोरा से कहती है कि उनको कार से कूदना होगा, लेकिन वो आदमी कार को पैरों के पास से लेकर जाता है जिससे कि कार का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाता है। तब दोनों कार में बैक साइड की तरफ जाते हैं और तभी उनकी कार पूरी तरह से पलट जाती है। एडा और नोरा बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गए थे और वो आदमी अपनी कार को रोककर उनकी तरफ आने लगा था। एडा नोरा से वहाँ से भागने को कहती है और एडा अब चल नहीं पाएगी क्योंकि उसका पैर पूरी तरह से इंजर्ड यानी कि जख्मी हो गया था। नोरा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो आदमी अपने कुत्ते को नोरा के पीछे लगा देता है और नोरा जल्द ही पकड़ी जाती है। अब अगले सुबह नोरा और एडा को होश आता है और दोनों बंधी हुई थी। दोनों लड़कियां चिल्ला नहीं पा रही थी क्योंकि उस आदमी ने उनके मुंह पर ग्लू चिपका दिया था। वो आदमी उनकी कार को उस लेक में फेंक देता है ताकि किसी को भी कोई सबूत न मिले। वो आदमी एडा और नोरा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और दर्द की वजह से दोनों लड़कियां बहुत चिल्ला रही थी और उनके होठों की चमड़ी उस ग्लू की वजह से पूरी उखड़ जाती है।
अब कुछ समय के बाद में हम देखते हैं कि उस आदमी ने सिर्फ इडा को उसके घर पर छोड़ा है, पर इडा पर भी उसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, जिससे कि वो जिंदा रहने के बाद भी कुछ भी नहीं भूल पाएगी। पुलिस फिर से लेक पोडम पर छानबीन शुरू कर देती है, पर पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है। एडा भी पुलिस को कुछ नहीं बता पाती, क्योंकि अब वो पहले ऐसी हालत में नहीं थी। इस मूवी में वो आदमी कौन था ये नहीं बताया गया है, और शायद वो वही किलर होगा जिसने मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। तो दोस्तों, ये थी लेक बॉटम मूवी की कहानी। अगर आपको ये मूवी देखना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी मूवी को देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता हूँ।